19वीं और 20वीं शताब्दी का शुरुआती दौर अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का रहा। फिरंगी हुकूमत के खिलाफ उठाई जा रही हर आवाज क्रूरता से कुचल दी जा रही थी। ऐसे में देश के सामने एक ऐसा नेता आया जिसकी अगुवाई में आम जनता, खासकर मजदूर और किसान एकजुट होने लगे, और उस शख्स का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। बिहार के किसानों की दुर्दशा को देखकर दक्षिण अफ्रीका से लौटे गांधी जी ने सीधे चंपारण का रुख किया और पश्चिम चंपारण के किसानों को एकजुट करना शुरू कर दिया। अहिंसा परमो धर्म के मंत्र के साथ 10 अप्रैल सन 1917 को चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की गई और धीरे धीरे इस आंदोलन ने बरतानिया हुकूमत की नींद हराम कर दी। चंपारण सत्याग्रह के वक्त में वो जनता जो अंग्रेजों के दबाव में, अंग्रेजी प्रशासन के एक तंत्र को देखे, सिपाही को देखे घर में दबक जाती थी, वो अब ना कहने की हिम्मत उसके अंदर पैदा हो गई और अब अंग्रेजी प्रशासन को चैलेंज देने के लिए सड़कों पर उतर आई। महात्मा गांधी की अगुवाई में शुरू हुए चंपारण सत्याग्रह ने देश में आजादी का बिगुल फूंक दिया। लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ गोलबंदी शुरू कर दी। चंपारण सत्याग्रह का असर ये हुआ कि पूरा देश अब अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार हो गया। अहमदाबाद और खेड़ा के रास्ते महात्मा गांधी की अहिंसक नीतियों पर चलते चलते आजादी का यह संघर्ष इतना बड़ा हो गया कि आखिरकार सन 1947 में अंग्रेज हिंदुस्तान से भाग खड़े हुए। 17 में जो कुछ हुआ, 18 में खेड़ा में या अहमदाबाद में क्या हुआ, 20 में फर्स्ट लैंड कॉपरेशन हुआ, और 10-10 साल में गांधी जी के जो सत्याग्रह हैं, और 47 आते आते 17 यहाँ 47 में हिंदुस्तान आजाद हो जाता है और वो नॉनवायलेंस और सत्य के आधार पर, तो गांधी जी के यह पहली फुटिंग है। आजादी के प्रेरणा स्रोत रहे गांधी के आदर्शों पर चलते हुए आज हर हिंदुस्तानी आगे बढ़ रहा है। ऐसे में चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर बिहार वासियों में उमंग होना लाजमी है।